लद्दाख ये 7,000 वर्ग किलोमीटर है, 3 लाख जनसंख्या है। उसमें 2 जिले हैं, कारगिल और लेह। कारगिल मुस्लिम मेजोरिटी है, लेह बौद्ध मेजोरिटी है। लेह और कारगिल भी कोल्ड वार में व्यस्त रहते हैं, तो भी अनेक वर्ष पूर्व एक प्रोजेक्ट लिया था, उसकी सूचना देते हुए विषय के अंदर बढ़ते रहे। सिंधु उत्सव इस बार 20वां उत्सव था लद्दाख में, सिंधु के किनारे, और सिंधु भवन का लोकार्पण भी हुआ। एक सर्व सिंधु शिक्षा अभियान का भी शुभारंभ किया, एजुकेशन फॉर ऑल, टेक्निकल एजुकेशन आल्सो फॉर ऑल। एनआईटी ग्रुप है अमेरिका का, उन्होंने उसको शुभारंभ किया। लद्दाख के विकास में इस सिंधु दर्शन उत्सव ने जो भूमिका निभाई है वो लद्दाख का प्रशासन बोलता है और जनता बोलती है। पहले लद्दाख 4-5 महीने विदेशी टूरिस्ट अधिक होते थे, भारतीय जिसको डोमेस्टिक टूरिस्ट कहते हैं वो बहुत कम होता था। विदेशी टूरिस्ट 7,000 से बढ़ते बढ़ते 18-20 हज़ार तक चला गया, पर भारतीय टूरिस्ट जो था डोमेस्टिक टूरिस्ट वो अब बढ़ते बढ़ते जो उस समय 12-13 हज़ार भी नहीं था वो 70-80 हज़ार से अधिक क्रॉस कर गया। 25 करोड़ से अधिक का व्यापार इस छोटी सी जनसंख्या को गांव गांव तक मिला है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हवाई मार्ग छोड़कर सड़क मार्ग से अब लद्दाख 10 महीने के लगभग खुला मिलने लग गया। देश को ये भी पता लग गया है कि लद्दाख भारत में है। लद्दाखियों के मन में जो हर समय आता था कि हमें देखते ही हिंदुस्तान के लोग पूछ लेते हैं और चीनी लोग जापानी या कौन से देश से आए, तो इनको पीड़ा होती थी। पीड़ा तो अभी भी हो जाती होगी, परंतु अब वो इतना प्रसन्न है कि नेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड अस। जब वहाँ 2-3 साल पहले बहुत भयानक विनाश आया था पूरे हिंदुस्तान में, जब से वहाँ मदद की इसका प्रभाव दिखता है। लद्दाख के बारे में एक बात समझने में भूल नहीं करनी चाहिए, कारगिल वार में लद्दाख क्षेत्र से 28 लोगों का बलिदान हुआ। अगर किसी एरिए की और रिलीजन की पॉपुलेशन का प्रतिशत किया जाए तो 1,65,000 में 28 बलिदान थे, बिगेस्ट इन द कंट्री। लद्दाख की बाई बर्थ वो पसीने से भी, श्वास से भी और रक्त से भी और जन्म से भी हिंदुस्तान था, है और रहेगा, इसको कोई सोचने के लिए तो जरूर नहीं। उसको पेट्रियोटिज्म को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लद्दाख कास्ट लेस सोसाइटी, वहाँ कास्टिज्म नहीं है, बनिया ब्राह्मण छोटा बड़ा कास्ट लेस सोसाइटी का बहुत सुंदर मॉडल है। वहाँ पर मेला ढूंढने नाम की कोई परंपरा नहीं है, यानी मेला ढूंढने वाला कोई मिलेगा नहीं, मेला ढोया नहीं जाता है। वहाँ पर जो शौचालय सिस्टम है वर्तमान से छोड़कर पुराना, वो ऐसा है कि जिसमें शौच इकट्ठा होता है, मिट्टी डलती है उसी के अंदर और पत्ते वगैरह डलते हैं और वो खाद में बदल जाता है, परिवार के लोग उसको खाद के रूप में अपने खेत में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए केमिकल खाद का भी उपयोग नहीं है और मैला ढोने की परंपरा भी नहीं है। इतना इस समय लद्दाख के लिए कहना अच्छा होगा
लद्दाख को एक ही कष्ट रहता है, हम देशभक्त हैं इसलिए हमें पूछते कम है, जो थोड़ा गड़बड़ करें तो माँ बाप इसकी तरफ जरा जल्दी ध्यान देते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बालक के ये संकट होता ही है और ये घर घर में होता है, जो थोड़ा उत्पाद करे उसको जरा उसका ज्यादा हो जाती है, जो जरा सीधा साधा सरल है, माँ बाप भी सोचते हैं कि हमेशा के लिए गारंटी वगैरह ज़्यादा कम नहीं करे, कम करो गई लद्दाख को इतनी शिकायत पड़ती है। चर्च ने जिस समय वहाँ कोशिश की कन्वर्शन दी तो लद्दाख पीपल्स एसोसिएशन आदि ने उसके खिलाफ भी मोर्चा लिया, इसलिए कह सकते हैं कि क्रिश्चियन कन्वर्शन अगर जीरो कहें तो अतिशोक्ति नहीं है, परंतु होगी भी तो इसी के आसपास कुछ होगी, तो इतनी बची होगी, नहीं तो उन्होंने कन्वर्शन लेस हुए लद्दाख में अंदर मुझे। लद्दाख में तीन गाँव हैं आर्यन सभ्यता के, प्राचीन सभ्यता, उनके बारे में बड़ी विचित्र अवधारणा है, दुनिया के सात आठ देश हैं, कुछ जगह धर्मांड आदि लगा, वहाँ के दूर ग्रामीण क्षेत्रों में ये माना जाता है अगर गर्व आर्यन पुरुष से होगा तो वो सभ्यता सुंदर होगी, शक्तिशाली होगी और ज्ञानवान होगी, इसलिए साल में 20-25-30 प्लेयर भी आते हैं, साधारण विवाहित है पति पत्नी है वो दोनों आते हैं और वहाँ से पत्नी के पेट में आर्यन गर्भ लेकर जाते हैं, ये एक विचित्र परंपरा भी लद्दाख की देखने को मिलती है, और इसलिए हर साल वहाँ से विश्व के अंदर कुछ रेसेस में आर्यन पुत्र उनकी ये मान्यता है, बलिष्ठ होगा, बहुत सुंदर होगा और ज्ञानवान होगा। अब ये दुनिया के और भारत के किस संविधान के अंतर्गत आता है ये तो आप सोचना, पर मैंने परंपरा बताई और बहुत विचित्र परंपरा और सहज सरल होता है, ऐसा नहीं है कि छुप कर होता है कोई अकानूनी ढंग से होता है, यानी होकर और उन देशों से वो लोग बहुत खुशी से आकर पे करते हैं, गर्व लेकर रहते हैं, पति साफ होता है, ऐसा नहीं है भाग कर आते हैं ये इधर उधर से छुप कर आते हैं, ये इंजॉय है, उनको लगता है कि संविधान से हमारे परिवार की और गांधी की और गाँव की किस्मत बहुत ज़्यादा चलती है। वर्ष भर के अंदर 20-25 ऐसे गर्व उन गाँव से विश्व के अंदर धारण किए जाते हैं, शायद आप में से अधिकांश ने पहली बार सुना, तो मैं इतना ही कहूँगा लद्दाख बाई इंच ऑफ द लैंड, लद्दाख बाई पीपल ऑफ द लैंड, मैं पैट्रियोट था, पैट्रियोट है और पैट्रियोट रहेगा, उसका पैट्रियोटिज्म आनी चाहिए। सिंधु उत्सव 23 जून से 26 जून हर वर्ष होता है, अकस्मात इस बार यात्रा 1500 से अधिक यात्रियों की बढ़ गई थी, जिसका मैनेजमेंट बड़ा कठिन है, अब धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है, तो मुझे लगता है कि इस यात्रा ने पाकिस्तान को एक छोटा संदेश दिया है, इंडियन लव एवरी इंच ऑफ द लैंड, चीन को भी ये संदेश दिया है हमारी बदमाशी दादागिरी भारत स्वीकार नहीं करता, और देश की जनता को ये संदेश दिया है लाखों लाख से होकर करोड़ों की तरफ बढ़ रहा है कि लव एवरी इंच ऑफ द लैंड, रिस्पेक्ट एवरी सिटीजन ऑफ नेशन। तो इस प्रकार से अध्यात्म की धरती है, वहाँ की पहाड़ियों में और गुफाओं में आज भी 5 साल से 50 साल से 500 साल से 5000 साल से कुछ तपस्वी होगा, ऐसी अवधारणा वाली गुफाएं भी दूर नज़दीक जाओ तो कहीं ना कहीं मिल जाती है, विदेशी भी कुछ कुछ लोग मिल जाते हैं जो उन गुफाओं के अंदर कुछ कुछ वर्षों से साधना करते हैं, ऐसा लद्दाख कि जम्मू कश्मीर के भयानक और क्रूरताओं के बीच में आज भी मुस्कुराता है, और उसका कहना है
कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा, पीडीपी ने भी कहा है, एनसी ने भी कहा है, और जितने भी दल हैं सब ने कहा लद्दाख को उसका यूनियन टेरिटरी और इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया जाएगा। जब ऑल पॉलिटिकल पार्टी एग्रीड है फिर भी ये लागू क्यों नहीं किया जाता, और हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के समय में उनको वायदा करके आती है, कहीं झगड़ा नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी का वन टू सेकेंड पार्टी, परंतु अभी बीजेपी की सरकार ने आकर पहला काम किया है। लद्दाख में जो बौद्ध अध्ययन यूनिवर्सिटी के अन्य विषयों की उसको भी यूनिवर्सिटी का दर्जा संस्थान को दे दिया। अब हम थोड़ा सा जम्मू को भी सुना देते हैं। लद्दाख का 7000 वर्ग किलोमीटर 3 लाख जनसंख्या, 4 विधायक, 1 सांसद। जम्मू 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, 2 सांसद है, 56 लाख के लगभग जनसंख्या है, और उसी के साथ साथ 37 विधानसभा है। मैं इसमें कश्मीर का आंकड़ा साथ जोड़ देता हूँ, कश्मीर 16-17 हजार वर्ग किलोमीटर का है, 52 लाख जनसंख्या का है, उसके पास 3 लोकसभा है और 46 विधानसभा है। इस बेइंसाफी को जम्मू भुगतता है, क्षेत्रफल में ज्यादा है, जनसंख्या में ज्यादा है, और लोकसभा और विधानसभा सीटें कम है। कश्मीर घाटी के पास क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या कम है, परंतु लोकसभा और विधानसभा अधिक है। ये वहाँ का परमानेंट एक कंफ्लिक्ट का बिंदु है। तीनों की भाषाओं में बहुत अंतर है, जम्मू डोगरी बोलता है, पहाड़ी बुजुर्ग बोलता है, कश्मीर कश्मीरी पश्तो और कुछ पहाड़ी बोलता है, लद्दाख उर्दू में या प्योर लद्दाखी बोलता है। केवल एक शब्द बोलता हूँ, चलो चलो, डोगरी बोलता है पहाड़ी बोलता है चलते चलते, कश्मीरी बोलता है पाक्ष है पाक्ष है, और लद्दाखी बोलता है डुल डुल। अब तीनों समझ में आपको कहीं सामान्यता नहीं लगेगी, ये लिंग्विस्टिकली एक है, दीज आर द 3 डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन्स। इस लिंग्विस्टिक रीजन का एक और है जम्मू, 2000 फीट की हाइट से लेकर बल्कि 1200 फीट की हाइट से लेकर और 19,000-20,000 फीट की हाइट तक, कश्मीर 5,000-6,000 फीट की हाइट से लेकर 24,000-24,500 फीट हाइट तक, लद्दाख 11,000 फीट की हाइट से लेकर 26,000-27,000 फीट की हाइट तक जाता है। इसलिए लद्दाख में माइनस टेम्परेचर वाला इलाका बहुत अधिक है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है, जिससे सांस बड़ी जल्दी होती है। कश्मीर बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, आप में से जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने देखा ना चाहिए, इन बोलियों के समय में भी देखा ही मत करो। अभी आप में से किसी के लिए वहाँ बोली नहीं बनी है, वो अभी आपस में मारने वारने के लिए काम ले लेते हैं, जो उनको बाकियों के लिए फुर्सत नहीं। और जम्मू भी नेचर से बहुत ब्यूटीफुल है, तो इस प्रकार का है। कश्मीर एक वैली है जो 30-40 किलोमीटर चौड़ी है और 110 किलोमीटर लंबी है, लगभग समान समतल है, 5,000-6,000 फीट के बीच में पूरी वैली है, इसलिए ऐसा कटोरा है, चारों तरफ ऊंची पर्वत श्रृंखला है, बीच के अंदर कश्मीर का मैदान है, फुल ऑफ नेचर है, फुल ऑफ ब्यूटी है, और बड़ी कीमती चीजें होती है। जम्मू तो यही पीड़ा है कि भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने उनसे कोई जस्टिस नहीं की, हमेशा कश्मीर की डोमिनेशन को वो रहे। इस पीड़ा के अंदर जम्मू सुलगता रहता है, संघर्ष करता रहता है। मैं 17 साल का हूँ, मैंने उस संघर्ष की और भेदभाव की पीड़ा को प्रत्यक्ष देखा है, और इसलिए मन में उनके आती है कि पुनर्गठन करके हमें भी एक अलग देश बना दिया जाए,
तो कश्मीर इट विल बी मोर एंटी टू पाकिस्तान एंड एंटी टू आजादी होते चला गया। कुछ लोगों को कानूनला पसंद नहीं आया, नहीं भी आया तो डोगरे ने अपने आप को बचा लिया, पर वो भारत सरकार से ब्रिटिश सरकार से उनके प्रति के भेदभाव से मुक्ति चाहता है, ये उसकी बेसिक डिमांड है। दूसरा, दुनिया में और हिंदुस्तान भर में केवल कश्मीर का मतलब जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू और लद्दाख के तकलीफ रहती है कि भारत हमारा नाम जम्मू कश्मीर लद्दाख क्यों नहीं करना चाहिए, या फुल जम्मू कश्मीर कम से कम बोलो, जम्मू कश्मीर लद्दाख बोलो तो बहुत अच्छा है, ताकि हम तीनों को समान सम्मान प्राप्त। कश्मीर घाटी है, जो भी उसके अंदर आज आतंकवाद अलगाववाद और कट्टरता है उसका हमने कल और आज में वर्णन सुना है। यहाँ पर जो निर्णय आए उन सब में आया कि सबने कहा एवरी कॉस्ट वी वांट पीस दिया, डेवलपमेंट दिया, इसमें कहीं विवाद नहीं, अपने अपने तरीके से सबने बताया। दूसरा विषय यह है कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा देश हो गया है जो ना मानने वाला देश हो गया है, इसलिए कवि ने इंसान पर कविता लिखते हुए बड़ा मजेदार लाइनें कही, गलती करके पछताए इंसान, गलती करके ना पछताए शैतान, पर जो गलतियाँ 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 ही करता चला जाए वो पाकिस्तान। साठ पैसे साल हो गए, इतना टेस्ट कर लिया है तो लोगों को लगता है कि और कितना और उसको छूट देंगे, और पाकिस्तान पूरी तरह से ये कोशिश करता है टू डिस्टर्ब कश्मीर, टू डिस्टर्ब नेशन, ये उसका हंसकर लगे पाकिस्तान लड़ता है तो हिंदुस्तान से हिंदुस्तान को डिस्टर्ब कर, अपना विकास हो रहा हो पर भारत का विकास उसको पसंद है, इसलिए यहाँ पर कल से आज तक में जो कंप्यूट किया सबका मत था कि तीज को लाइसेंस आयरन हैंड डीलिंग पाकिस्तान के प्रति भारत ने करने थे, और जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, पाकिस्तान से गले मिलते हैं, पाकिस्तानी झंडा लहराते हैं, उनके प्रति भी सख्त व्यवहार करना चाहिए, ये लगभग सबके डेलीगेशंस में आया है। इसलिए पाकिस्तान की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको अधिकाधिक उजागर करना, और पाकिस्तान कैसे पाकिस्तानियों से पूछेगा, पाकिस्तान कैसे मुसलमानों के अंकिल, इसको जितना अधिक प्रोपेगेंडा करेंगे उससे हिंदुस्तान के मुसलमान को भी और कश्मीर के मुसलमान को कुछ बातें समझने के लिए मौका मिल जाएगा, और जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, पाकिस्तान से गले मिलते हैं, झंडा लहराते हैं, धीरे धीरे उन नेताओं का आइसोलेशन बढ़ता है, और इसलिए लगभग सब ने ये बोलते समय ये भी कहा है कि भारत सरकार ने अलगाववादियों से बात नहीं करने दी, ये भी कहा है कि अलगाववाद की आवाज को केवल हवा देते रहना ये बंद करना चाहिए, बल्कि मीडिया से सबने ये रिक्वेस्ट की है दे शुड एयर हिंदुस्तान, दे शुड एयर वॉइस ऑफ हिंदुस्तान, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए कि हिंदुस्तान की आवाज़ को कैसे बुलंद बना किया जाए, और जो हिंदुस्तान की आवाज़ बुलंद करते हैं उनके प्रोटेक्शन कैसे दें। लगभग ऐसा एक जो है ये साल ये कहना कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, जब ये हरियाणा के लिए, केरल के लिए, तमिलनाडु के लिए, बंगाल के लिए, कश्मीर के लिए, आसाम के लिए, पंजाब के लिए, या तमिलनाडु के लिए, या मिजोरम नागालैंड के लिए नहीं बोलते, तो ये बार बार क्यों कहना कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, इससे आपके मन में शक है ये स्थापित होता है, और उनके मन में भी ये शक आता है कि हम हैं नहीं, हमें जबरदस्ती रखा है, इसलिए
ये भारत का अटूट अंग है। अब मान लो यहाँ हरियाणा की कॉन्फ्रेंस होती है, क्या लिखा जाता है? हरियाणा भारत का अटूट अंग है, केवल भारत का अटूट अंग। जब भारत के किसी भी एक इंच के लिए अटूट अंग नहीं हो जाता तो कश्मीर को तो इसका आतंकवादी और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेटर्स मिस यूज करते हैं। वो कहते हैं कि भारत मानता नहीं है, बार बार दिखाने और बताने की कोशिश करता है, नहीं तो वो कब जाते हैं। और इसलिए कश्मीर भारत का अटूट अंग है ये कहने की जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ पर उसमें से नया स्लोगन दिया गया है, कश्मीरियों का सारा हिंदुस्तान, सारे हिंदुस्तानी कश्मीरियों के साथ, क्योंकि वह तकलीफ। और ये मानने की जरूरत ही नहीं है कि कश्मीर अटूट अंग है, वो है ही। मेरे से पूछते हैं तो मैं तो इतना कह देता हूँ, 47 से पहले लाहौर भी हिंदुस्तान में था, कौन जानता है 2020-25 में फिर हिंदुस्तान में नहीं होगा, ये काम पक्का लिख दिया गया है। इसीलिए हमें भड़काने वालों को, कॉन्स्पिरेटर्स को, इसके लिए टूल हाथ में नहीं देना चाहिए। और इसलिए ये भी लगभग रेजोल्यूट हुआ, कश्मीरियों का सारा हिंदुस्तान, सारे हिंदुस्तानी कश्मीरियों के साथ। अभी तो हमारी बहन ने कहा है कि भाई साहब मान लेना, डोगरे भी साथ, हमने तो माने ही हुआ है, पर उन्होंने पक्का याद कराया तो हमने ब्रैकेट कर लिया भी लिख लिया, पर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना, कश्मीर को मिनी पाकिस्तान कहना या कश्मीरियों को पाकिस्तानी और आतंकवादी मानना, इसमें आइसोलेशन है। चंद लोग हैं जो पाकिस्तानी मानसिकता के हैं, अलगाववादी कट्टरवादी मानसिकता के हैं और आतंकी मानसिकता के, बाकी सारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद ये हिंदुस्तानी था, है और रहेगा। इसलिए मेजर वॉइस ऑफ कश्मीर वो पाकिस्तान और आतंकवाद नहीं है, मेजर वॉइस होगा कश्मीर वाली, वह हिंदुस्तान वाला। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल खेलने की जरूरत है। इस मनोवैज्ञानिक खेल का लाभ होगा कि जो कट्टरपंथी हैं और अलगाववादी हैं, जो पाकिस्तानी व्यक्ति या हिंसा की बात करते हैं, उनका धीरे धीरे बहुत बुरी तरह से आइसोलेशन है। जैसे पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट होता है, जैसे असम के अंदर बोडो वाला मूवमेंट्स होता है, जैसे केरल के अंदर विरक्त मूवमेंट होता है, जैसे बिहार के अंदर, झारखंड में, छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सल मूवमेंट का, तेलंगाना में नक्सल मूवमेंट का, आइसोलेशन इनका बेसिक नहीं है। जब आइसोलेशन होती है तो आदमी बहुत परेशान होता है, बहुत लंबा समय तक हिंसा में जिंदा नहीं रहता। इसलिए आइसोलेशन और भी टेररिस्ट ऑफ द फंडामेंट चाहे तो पाकिस्तान और द विदेशी एजेंट को खजाना, इन सब के आइसोलेशन के लिए जो एक सच है उसको बोलना और स्थापित करना, दे आर फ्यूल नंबर, द एजेंट्स आर नॉट द टोटल वैल्यू, दे आर, दे कैन बी काउंटेड, ये लोग हैं। इसलिए इग्नोर देम, आइसोलेट देम, डोंट थिंक ऑफ देम। तो धीरे धीरे जब बदमाश को पता लग जाता है कि मोहल्ले में मेरे से कोई डरता नहीं, तो बदमाश डर जाता है। जब उसको पता लगता है कि सब मेरे से डरते हैं तो राक्षस बन जाता है। इसलिए किसी ढूंढे और बदमाश को राक्षस बनने की अनुमति कभी नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसके ऐसा खेलना चाहिए कि हमारे घर का बालक भी तुम्हें समझता नहीं है, तुम तो बहुत बड़ी चीज होगा, ऐसी फालतू बात। तो कहते हैं राक्षस की ताकत उससे नफरत में और उससे पीढ़ी से जब होती है, राक्षस की मौत उससे ना घबराने में होती है। और इसलिए मैक्सिमम ने इसी बात को कहा कि दे आर प्योर नंबर्स, इग्नोर देम। उससे भारत सरकार ने भी बात नहीं करने के लिए, किसी भी संस्था ने उनसे भी बात करनी चाहिए। और इसलिए हिंदुस्तानी आवाज को एयर किया जाना चाहिए, हम भी अपने बोलने चलने में इस बात को लागू करें, ऐसा एक बात है। स्वाभाविक रूप से जो यहाँ पर है
वहाँ का पर्यटन बढ़े, वहाँ का लोकल बिजनेस बढ़े, वहाँ का रोजगार बढ़े, इस तरह की चर्चा है। परिवर्तन क्या है आतंकवाद के भेदभाव जो इसको समझना चाहिए। 94, 95, 96, 1994 ऐसे वर्ष थे जब अमरनाथ यात्रा 4 लाख से घटते घटते 22,000 पर आ गया। कश्मीर का टूरिज्म जो साल भर में 7 लाख टूरिस्ट जाता था वो मुश्किल से 22,000 ही लोग जो अमरनाथ यात्रा के करते थे 2 महीने में, और पूरे वर्ष भर के अंदर 16,000 38,000 पर आ गए। उस आतंकवाद के अंदर आर्मी के अंतर्गत जो मंदिर है पूजा स्थल है, और समाज के अंतर्गत जो पूजा स्थल है जो हजारों में थे, केवल 98 पूजा स्थल ऐसे रह गए थे जो जागरण थे। जब दीप जलता था, पूजा होती थी, घंटी जलती थी, 5-10 से लेकर 20-50 तक लोग रहते थे उसमें, मैक्सिमम खोज के लोग होते जनता में से कोई कोई जाते थे। और इसलिए पूर्व मिलाकर कश्मीर घाटी के अंदर और डेसिमल 6% पॉपुलेशन रह गया, 6% से घटते घटते इतना आ गया है। यहाँ से रिवाइवलिज्म हुआ और उस रिवाइवलिज्म के अंदर इस समय अमरनाथ यात्रा यह है लगभग 3.5 लाख क्रॉस कर रही है। इसी प्रकार से वहाँ पर अब वर्ष भर का टूरिस्ट जो आने जाने लगा है वह है लगभग इस समय और 4-4.5 लाख से अधिक चला गया है, तो 7 लाख तक 5 लाख हो गया होगा इस बार के आंकड़े आएंगे तो पता लगेगा। तीसरा, जागृत पूजा स्थल इस समय लगभग 700 से अधिक हो गए, और जो कश्मीरी पंडित डोगरा पंजाबी और सरदार जनसंख्या घटते घटते सिर्फ 17-18 हज़ार रह गई थी, 9 फीट कम स्टूए बन गया कि 1 लाख लगभग क्रॉस कर गए। और जो देश भर से मजदूरी धंधे के लिए बिहारी यूपी सरकार आने लगा है उसकी भी 60,000 जनसंख्या। इसलिए कश्मीर के अंदर एक रिवाइवलिज्म होता पॉपुलेशन है, रिवाइवलिज्म होता रिलीजन, और रिवाइवलिज्म होता कॉन्फिडेंस, ये डेवलप। और इस चुनौती को कश्मीर के लोगों ने स्वीकार करना चाहिए कि जो लोग गुजर कर गए उनको सा सम्मान वहाँ पर बसवाना और बसना देना, उनके प्रति नफरत नहीं, उनके प्रति प्रायश्चित के भाव से सम्मान के साथ उनको आने के लिए रास्ता खोल दो। ये एक बड़ी चुनौती है जो लोग भी दे आर सेकुलर और दे आर फंडामेंटलिस्ट, दे आर इनह्यूमन और दे आर फुल ऑफ ह्यूमैनिटी, इस इम्तहान को कश्मीर के लोकल नेता हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या बुद्धिजीवी हैं या साहित्यकार हैं या समाजसेवी हैं या जनता है उसको देना होगा, तभी वो सच्चे कश्मीरी और कश्मीरियों से कुछ बोलना है। कश्मीरियत उसको कहते हैं विच नेवर फेल्स, ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है कश्मीरियों का, तो इसलिए वो उनका वहाँ आना। तो मुझे ये लगता है कि कश्मीर में जो ये फिर से रिवाइवलिज्म हुआ है इस रिवाइवलिज्म को स्ट्रेंथन करना है। अमरनाथ यात्रा चलो, इस आंदोलन को हमें ने जन्म दिया, और खीर भिवानी की यात्रा में कश्मीरी पंडित जाए इस आंदोलन को भी करना। हर कश्मीरी पंडित ने और डोगरे ने और सरदार ने जो उजड़ कर आया है उसने साल में या 2 साल में एक बार अपने घर मकान खेत को देखने जाना चाहिए। इन और इसके साथ साथ अपने बच्चों को वहाँ का बताते रहना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स के कारण कश्मीर में हिंदू को कहिए या इन सब समाज और वर्गों को कहिए, इन्होंने जाना प्रारंभ किया जिसके परिणाम आज ऐसे। वैसे सभी